नमस्कार, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं एक खूबसूरत सी अभिनेत्री से, जिनका जो हालिया जो इनका एक प्रोजेक्ट है उसमें इन्होंने सबको यू नो क्लीन बोल्ड कर लिया है। मेरे साथ है सौराष्ट्री मैत्रा, सीधा कोलकाता से, बंगाल की। हाय नमस्ते। हाय नमस्ते, केमन आचे? ऑल गुड, खूब भालो आचे, तुम्ही बोलो। आमी भालो मुंबई ताके। तो सौराष्ट्री की एक वेब सीरीज है लाल बाजार, जो इस पर बहुत धूम मचा रही है और खासकर इनका जो किरदार है वो बहुत ही हटकर है। तो कोलकाता से ये इन्होंने पूरी ये वेब ये मैं कोलकाता में रहती हैं, अब चाहते हैं मुंबई आए जल्दी सौराष्ट्री। तो ये बताएं यहाँ पर कैसा रिस्पांस मिल रहा है, मुंबई में सब बहुत पसंद कर रहे हैं लाल बाजार को, आपको कैसे रिस्पॉन्स मिले हैं? देखिए, पहले तो ये मेरा फर्स्ट बायलिंगुअल प्रोजेक्ट है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि पहले हमने ऐसे बंगाली में शूट किया है, फिर हिंदी में भी शूट किया है। तो लेकिन एक चीज मैं बोलूंगी, हम लोग जब शूट कर रहे थे ना एक किरदार को, हम लोग शूट किए कुछ 60 दिन, लाइक आई शॉट फॉर 50 डेज। तो एक किरदार के साथ 50 दिन जीना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और एक्चुअली जब शूट कर रहे थे ना, इतना एक्सपेक्टेशन, कुछ एक्सपेक्टेशन उतना ज्यादा नहीं था। लेकिन अभी जब रिलीज हो चुका है, इतने सारे रिव्यूज मिल रहे हैं, मोस्टली सारे पॉजिटिव है, और अगर कुछ पॉजिटिव ना भी हो तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम। सो आई एम ओवरवेल्ड, इतना सीरियसली एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे लोग मेरे कैरेक्टर को पसंद कर रहे हैं, या फिर बाकी कैरेक्टर्स को, या फिर पूरा सीरीज को पसंद कर रहे हैं। सो दिस इज, आई एम सुपर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द ऑडियंस। तो मुझे आपके कैरेक्टर की खूबसूरती ये लगी कि हमेशा जितने भी कॉप लेडी कॉप कैरेक्टर्स होते हैं, दे वेरी ओवर द टॉप, यू नो, आती डिशम 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 डिशम, लेकिन आपका कैरेक्टर बस रियल, मुझे लगा सच में कि ऐसी हो सकती है होमिसाइड ऑफिसर। तो वो रियलिटी जो नुएंसेस आप लेके आए, मतलब बॉडी लैंग्वेज बदल जाती थी, जब वो घर पर होती थी उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती थी, जब वो काम पर होती है बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। तो वो सटल नुएंसेस कैसे आपने, हाउ डिड यू वर्क ऑन दैट? देखिए, जब हम ये सीरीज शूट कर रहे थे, हम लोग का पहला ब्रीफ ही ये था कि हम लोग इस सीरीज को बहुत रियलिस्टिक तरीके से शूट करने वाले थे। दैट वाज आवर मेन पॉइंट, कि बाकी हम लोग जो कॉप शोज देखे हैं वो बहुत ही कुछ ओवर द टॉप हुए हैं, अगर आप देखें तो। तो हम लोग का यही मानना था कि जितना हो सके हम लोग रियलिस्टिक अप्रोच रखे। ये लड़की बहुत ही नॉर्मल अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसका वो बॉडी लैंग्वेज है। शी इज नॉर्मली अ वेरी स्वीट गर्ल, लाइक अ गर्ल नेक्स्ट टू डोर टाइप, बट शी इज ऑल्सो सुपर सीरियस अबाउट हर वर्क। एंड देयर इज ऑल्सो दिस पार्ट, आई डोंट वांट टू गिव एनी स्पॉयलर्स टू द पीपल हू हैवंट वॉच्ड इट, लेकिन उसको हमेशा ये लगता है कि उसकी बॉस, जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमन, उसकी बॉस उसको लेके कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है। और उसको ये लगता है कि नहीं, अगर मैं होती तो मैं अपने मेल काउंटर पार्ट से ज्यादा भी मुझे प्रूव करना है खुद को, कि मैं बाकी अपने मेल कोलीग से कुछ वीक नहीं हूँ। सो दैट वाज देयर, आई ट्राइड टू डू दैट। वैसे कुछ बैकग्राउंड या फिर बहुत ज्यादा होमवर्क ये सब मैंने नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने कोशिश किया कि मैं, हमारा जो डायरेक्टर है शांतन घोषाल, आई जस्ट ट्राइड टू लिसन टू हिम, आवर स्क्रिप्ट राइटर रोंगन चक्रवर्ती, सिंस ही हैड कैरेक्टराइज्ड एवरीवन. So I just wanted to listen to them and try to bring that. That is what I wanted to bring on screen. And आपको अगर ये लग रहा है कि मेरे कैरेक्टर मीरा दास गुप्ता के कैरेक्टर में अलग-अलग लेंस आपको दिख रहे हैं, so thank you. यही कोशिश था mainly. तो एक और खास, तो वो कोशिश तो पूरी हुई, लेकिन जैसे आपने कहा bilingual था, तो कितना मुश्किल था एक डायलॉग अचानक बंगाली में शूट किया, बांग्ला में शूट किया, अगला हिंदी में, तो वो वो जेंडर कंफ्यूजन बड़ा होता होगा ना? हाँ, वो तो है, मेरे अभी भी है, लाइक माय हिंदी इज नॉट दैट ग्रेट आल्सो, बट आई ट्राई डेफिनेटली। लाल बाजार अगर और कुछ नहीं हुआ तो लाल बाजार हैज डेफिनेटली इंप्रूव्ड माय हिंदी, बट या इट वाज क्वाइट हेक्टिक, बिकॉज़ यू नो शूटिंग एवरी सीन, लाइक नॉट इवन जस्ट एवरी सीन, एवरी शॉट, सो इट डेफिनेटली टुक, इट वाज क्वाइट हेक्टिक। और कभी कभी ये भी हुआ, जब हम हिंदी शूट कर रहे हैं बंगाली निकल आ रहा है,
या फिर जब बांग्ला शूट कर रहे हैं तब हिंदी निकल आ रहे हैं। हम तो लाइक माय कोलीग कौशिक सर ही वाज आल्सो सेइंग दैट, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि घर जाके भी एक बार बीवी के साथ बंगाली में बात करूं फिर इसको हिंदी में रिपीट करूं। तो हेक्टिक था, कंफ्यूजिंग था, लेकिन बहुत नया था, चैलेंजिंग था, तो मजा आया। जी, पर आई थिंक एक और चीज आपके बारे में, मैंने सबसे पहले आपको नोटिस किया था अमरीका नाम की फिल्म में, आई थिंक वो आपकी शुरुआती दिनों की फिल्म थी, उसमें भी आपका कैरेक्टर भले ही छोटा था बट एक हटके कैरेक्टर किया था आपने, कॉलेज थी तो वो जो तब बस, शुरुआती दिन में आपने फिल्म की थी, और चिट्टागोंग, दैट वाज माय और फर्स्ट फिल्म, चिट्टागोंग भी। चिटागोंग वाज माय फर्स्ट ओके, तो कैसे फिल्म। नहीं, उस बॉम्बे वक्त से कैसी मुंबई ग्रूमिंग में मिली बहुत हिंदी सारे फिल्म इंडस्ट्री से, काम एक्चुअली किए आपने? कर चुके। चिटागोंग हिंदी प्रोजेक्ट था पहला, मेरा फर्स्ट फिल्म, तभी मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि मुझे एक्टिंग करना है या फिर कुछ। वहां पे इतने सारे बिग स्टार्स थे, अभी जो इतने बड़े स्टार्स बन गए, वीर जयधीर, मनोज सर थे वहां पे, नवाज सर थे, तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट आई वाज अ किड बैक देन। बट यस, व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर अमरीका, तो हम लोग कुछ 15-16 दिन शूट किए थे, माई पार्ट वॉज 15-16 डेज, एंड दैट वॉज लाइक माई फर्स्ट टाइम की कॉलेज की फर्स्ट ईयर में थी, वहां पे बॉम्बे में गई हूँ, 15-16 दिन रह रही हूँ वहां पे। लेकिन जो काम का तरीका था, जो तौर था काम का, दैट इंस्पायर्ड मी, बी इट द एक्टर्स, बी इट द टेक्नीशियंस, बी इट एवरीवन, द वे दे वर एक्टिंग, जो एनर्जी के साथ लोग कंप्लेन के अलावा काम कर रहे थे ना, वो बहुत इंस्पायरिंग था मेरे लिए। तो तभी जब अमेरिका खत्म करने के बाद ही मैंने अपने पापा को बोला था कि पापा मुझे एक्टिंग करना है, सो दैट्स हाउ द जर्नी बिगैन। एंड वैसे भी मेरा बैकग्राउंड मॉडलिंग है, तो काफी एड्स कर चुकी हूँ बॉम्बे में भी, बॉम्बे कोलकाता, बॉम्बे में एक्चुअली ज्यादा एड की हूँ। तो व्हाट आई लव्ड अबाउट वर्किंग इन बॉम्बे और इन अ बॉम्बे प्रोजेक्ट इज हाउ द सिटी हैज वेलकम्ड मी एवरी टाइम, एंड आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली जी पीपल कीप ऑन लविंग मी। जी हाँ, हमेशा बंगाल ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इतने सारे टैलेंट दिया है, तो वी आर यू आर द अनदर वन इन मेकिंग। लेकिन मुझे एक आपके बारे में बात पता चली कि आप शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन है, और मतलब बहुत बड़ी फैन मतलब Huge, जबरा फैन है huge fan. मैं उन्हीं जी का मूवी का एक डायलॉग बोलना, वो मैं फैन नहीं हूँ, वो दुनिया है मेरी। तो कभी शाहरुख से मुलाकात हुई, कभी आपने अपना उनको ये फैन हाँ मोमेंट जी, शेयर किया उनके साथ? it still feels like a dream. तो कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, आई रिमेम्बर द डेट, 8 नवंबर को शाहरुख खान जी आए थे यहाँ पे, और तब मैंने उनको, एंड ही वाज अमेजिंग, ही वाज सो डाउन टू अर्थ, मैंने प्यार और ज्यादा बढ़ ही गया ये समझ लीजिए। आई आस्क्ड हिम फॉर अ पिक्चर एंड आई हग्ड हिम, एंड शाहरुख खान हग्ड मी बैक। ओके, सो इट वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माय लाइफ, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माय लाइफ, बिकॉज ही वाज वन जी, तो पर्सन, मैं जब लाइक 3 साल, अभी तब से मैं शाहरुख खान की फैन हूँ टिल डेट। ग्लैड हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी आप शाहरुख के साथ ही किसी प्रोजेक्ट में नजर आए। वैसे अभी ओ जो माय गॉड, प्रोजेक्ट्स की प्लीज बात चली प्लीज, आपके मुंह में घी शक्कर। क्योंकि आजकल शाहरुख भी वेब सीरीज बना रहे हैं, उनकी कंपनी काफी सारे नए इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स कर रही है, तो वेब सीरीज की बात चली है, तो कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस हो गया है, लाइक मतलब बंगाल के एक्टर्स, हिंदी के एक्टर्स यहाँ कर रहे हैं, तो एक यू नो इट दिस इट्स लाइक अ राइट अमालगमेशन ऑफ ऑल द टैलेंट, तो आई थिंक एक पॉजिटिवली एक एक अब कहीं भी कोई भी फिल्म आपकी, चाहे बंगाली फिल्म हो, मलयालम फिल्म हो, तेलुगु फिल्म हो, हिंदी फिल्म हो, यू कैन वॉच इट एनी टाइम एनीवेयर ऑन दिस सोशल दिस Absolutely. प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, तो व्हाट यू सी अबाउट दिस फिनोमिना, क्या Look, लगता है कितना आगे तक I जाएगा? have this very one thing. Web is the new thing. All right. And now the talents from various parts of India, like पहले जब हम बॉलीवुड बोलते थे तब सिर्फ बॉलीवुड एक्टर्स ये तो नहीं होते हैं ना, नाउ दैट पीपल लाइक साउथ इज कमिंग अप विद सच इंटरेस्टिंग वर्क, बी इट इन तमिल और तेलुगु, दे आर कमिंग अप विद सच गुड वर्क, पीपल आर वॉचिंग इट ऑल्सो, एंड दे आर बींग क्रिटिकली अक्लेम्ड। So when people from different parts of our country, they amalgamate and try to do good work, it definitely helps Indian cinema or Indian web series as a whole. And also कुछ 2 साल पहले से, like web series has been blooming in India.
राइट। पहले बाहर में हम लोग बाहर के शोज देखते थे, लेकिन अगर इंडियन बिजनेस में बोलो तो पिछले 2 या 3 साल से एक्चुअली फ्लरिश हुआ है ये वेब इंडस्ट्री, इतने वेब सीरीज बन रहे हैं, वेब फिल्म्स बन रहे हैं। और लॉकडाउन ने तो हम लोग को और भी यही सिखा दिया है कि डेफिनेटली हॉल में जाके पिक्चर देखना तो इजी है। कोलकाता में ऑनेस्टली आई आई शॉट अ लॉट इन सिटिंग एट माई ओन होम, तो और भी कुछ भी बन जाऊं, अभी फिल्म मेकर नहीं बनूंगी। बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि खुद से सब कुछ करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बाहर जी में पिछले 3 दिन से अभी अभी बस काम शुरू हुआ है, तो पीपल आर टेकिंग देयर प्रिकॉशंस, लेकिन अभी न्यू नॉर्मल है, हर जगह मास्क पहन के जाओ, प्रिकॉशंस लो, सैनिटाइज करो। लेकिन एक्टर्स के लिए यही प्रॉब्लम है कि हम लोग मास्क भी नहीं पहन सकते हैं, तो जितना हो सके जी प्रिकॉशन तो ले ही रहे हैं। बॉम्बे में भी हालत बहुत ही खराब है, सो आई जस्ट होप दैट एवरीथिंग गेट्स बेटर और हम लोग फिर से अच्छे काम शुरू कर सकें। तो शौलाशिनी, बहुत अच्छा और लगा सब आपसे बात करके, ऑलवेज अ प्लेजर। जी थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। तो उम्मीद करते हैं जल्दी से आप मुंबई आए, हमें और प्रोजेक्ट्स में नजर आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप और हमें और रोल्स में दिखें और दर्शकों को मनोरंजन करें। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू।